नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। किशनगढ़ NPSEFR के जिला प्रवक्ता मनीष नागर, बस सचिव चेतन मीणा व जिला संयोजक नरेंद्र राठौर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि 22 दिसंबर 2003 को भारत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था और पुरानी पेंशन स्कीम बंद करा दी गई थी। धीरे धीरे राज्य सरकारों ने भी न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी है, लेकिन समय के साथ इसका परिणाम आना शुरू हो चुका है। आज कोई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो किसी की पेंशन 1000 रुपए या 800 रुपए है। इस अवसर पर मनीष कुमार नागर, सुरेंद्र मीणा, फार्मासिस्ट मुरलीधर नागर, शिक्षक सिंह युवा बाल मुकुंद राठौर, धर्मेंद्र कुमार मीणा आदि लोग उपस्थित थे। सभी कर्मचारियों ने सभा को संबोधित करते हुए अपने अपने विचार रखे। वह भविष्य में नई पेंशन योजना का और जोर जोर से विरोध करने का आह्वान किया और सब लोगों ने एक स्वर में प्रतिज्ञा ली कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो जाती। 22 दिसंबर का दिन कर्मचारियों ने काला दिवस के रूप में मनाया। सभी ने एक स्वर में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार से अति शीघ्र पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। सभी कर्मचारियों ने इस बात पर भी अपना रोष प्रकट किया कि नेता जितनी बार चुनाव जीते हैं और जितने पदों पर रहते हैं उन्हें हर पद की पेंशन मिलती है, तो फिर कर्मचारियों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों ने बैठकर भविष्य की कार्य की योजना भी बनाई और उन साथियों उसे जो आज उपस्थित नहीं हो पाए उनसे भी आगे के कार्यक्रम में उपस्थित होने का आह्वान किया। सभी कर्मचारियों ने दोपहर 1 बजे पब्लिक पार्क 12 में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार व राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार द्वारा जारी किए आदेशों की होली जलाई। वहीं सरकार से मांग की कि सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करें। किशनगढ़ से संवाददाता मदनलाल शाकिवार की रिपोर्ट।